हे गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी वीडियो से उसकी वॉइस कैसे निकालेंगे। गाइस, अपने वीडियो से वॉइस निकालेंगे, सिर्फ वॉइस आएगी, उसका वीडियो यानी फेस नहीं आएगा, सिर्फ उस वीडियो की वॉइस आएगी। आप किसी की भी वीडियो की वॉइस निकालना आज वीडियो में सीख जाएंगे। आप अगर एडिटिंग करते हैं, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे आप ढूंढते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलती लेकिन बहुत सारी वीडियो मिल जाती है, उस वीडियो से आइडियो को बाहर कैसे निकालना है और फिर अपने वीडियो में कैसे यूज करना है, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, कैप कार्ड पर आपको क्लिक करना है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, अपनी वीडियो को लेना है जिस वीडियो को वॉइस आपको बाहर निकालना है। तो मैं अपनी वीडियो ले लेता हूँ, इस वीडियो को ऐड पर क्लिक कर देता हूँ और आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करना है, इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे आएंगे, देखिए स्ट्रक आइडियो, ठीक है, स्ट्रक आइडियो पर क्लिक कर देना है। ये देखिए वीडियो की, इस वीडियो की वॉइस निकल गई बाहर, ठीक है, दिखा देता हूँ। जैसे इसको डिलीट करता हूँ, नहीं डिलीट नहीं होगा। अगर आप भी मेरी तरह काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कत क्या है, वाटरमार्क का। जी हाँ भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिस भी वीडियो में वाटरमार्क लगा है। तो गाइस, अगर इस वॉइस को आप डिलीट करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक डिलीट पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, या अंडू पे आप क्लिक कर देंगे तो ये वापस हो जाएगा, जहाँ से म्यूजिक आई वहीं पहुँच जाएगा। तो फिर से दिखा देता हूँ, देखिए। लेकिन गाइस, अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक आपको नहीं मिला है, अगर कोई से वीडियो मिल गई है, गैलरी में आपकी वीडियो है, तो अगर उसकी अगर आप वॉइस निकालना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्ट्रक पे आपको क्लिक करना है, ये आपकी गैलरी खुल जाएगी। जिस वीडियो की म्यूजिक या आवाज़ आपको निकालना है उस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट करना है, फिर आपको उसकी वॉइस आएगा यानी उसका फेस नहीं आएगा, उसमें जो म्यूजिक चल रही होगी उस म्यूजिक यहाँ बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कोई से भी, जैसे इस वीडियो का मुझे लेना है, इस वीडियो का यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अभी तक हमारे, देखिए इसमें क्या आ रहा है, सब लोगो सब्सक्राइब फेसबुक का सभी आ रहा है ग्रीन स्क्रीन में, लेकिन अब क्या है, इसकी सिर्फ वॉइस आ रही है। तो गाइस, अगर आपको शुरू के म्यूजिक को कट करना है तो क्या करना है, इसको दबाना है और टाइम लाइन तक ला के छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप लास्ट में कट करना चाहते हैं तो आपको आना है लास्ट में और इसको क्या करना है, यहाँ टाइम लाइन ला के यहाँ पे आपको यहाँ करके यहाँ तक कट करना है, यहाँ तक छोड़ देना, ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दबा के आपको यहाँ वीडियो जहाँ से आपकी शुरू होती है वहाँ पर आपको ला के छोड़ देना है। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो देखिएगा, लेकिन देखिएगा जो आपकी मेन वीडियो है जो आप बोल रहे हैं उसकी वॉइस कम आ रही है, लेकिन आप जो इसमें ऑडियो या म्यूजिक यूज किए हैं उसकी वॉइस ज़्यादा आ रही है। तो आपको इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है, वॉइस वाले वीडियो या वॉल्यूम पे क्लिक करना, इसकी आवाज़ अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है, अगर इसकी आवाज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं म्यूजिक के तो आपको राइट साइड ड्रॉ करना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में यूज करते हैं तो उसकी वॉइस जो है एकदम कम रखना, अगर ज़्यादा रख देंगे तो आपके कानों में चुभने लगेगी, फिर आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, कट कर देगा, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना, इसको क्या करना है, 10 पे, 10 या 9 पे आपको क्लिक करना, मैं अपने वीडियो में 10 यूज करता हूँ, 10 या 9, ठीक है, और डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कत क्या है, वाटरमार्क का। जी हाँ भाई, आपको भी पता। तो गाइस, अगर आप भी काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं लेकिन उसको वाटरमार्क अभी तक नहीं रिमूव कर पाए, तो इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख कर आप भी काइन मास्टर का लोगो रिमूव कर सकते हैं चुटकियों में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताया हूँ आप अपने वीडियो से आवाज़ कैसे बाहर निकालेंगे, किसी और की वीडियो से म्यूजिक कैसे निकालना है, तो आप अच्छे सीख गए होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।